विकास कार्यों की धीमी रफ्तार से ग्रामवासी परेशान। आसीवन थाना क्षेत्र के ग्राम सभा कनिगांव में एक रास्ते का निर्माण कराने के लिए खोदी गई गली, जिसको आरसीसी बनाना था, 3 महीने हो गए अभी तक रोड पर कोई कार्य नहीं हुआ, जिसके कारण पूरे गांव में पानी कीचड़ बहुत भरा हुआ है, जिससे कनिगांव ग्रामवासियों को निकलने में बहुत ही दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। कीचड़ को साफ करने वाले सफाई कर्मी उस गली तक जाते ही नहीं हैं। परेशान ग्रामवासी खुद ही फावड़ा लेकर रास्ते को साफ करने में मजबूर हैं। वहीं एक नाबालिग लड़की भी अपने घर के सामने फावड़ा लेकर कीचड़ को साफ करती नजर आ रही है। कनिगांव के ग्राम प्रधान और पंचायत मित्र मंत्री किसी गांव वालों की परेशानी नहीं दिखती। क्या नाम है तुम्हारा? सोताराम। कहाँ रहते हो? कनिगांव। आपकी ब्लॉक क्या लगती है? मियागंज जी। आप जो है क्यों साफ कर रहे हैं? सफाई गंद खाना है। क्या गंद खाना है? निकलने में नहीं पड़े पहले। क्या नरक है हमको बताएं तो आप? इसमें कचरा खुदा पड़ा हुआ है, निकलने में परेशानी होती है। क्या परेशानी होती है आपको? सभी परेशानी होती है। आपको क्या दिक्कत है इसे हमको जो बताइए आप? कीचड़ बह रहा है। चाला कीचड़ कैसे बह रहा है? ये खुदवाया है। क्या खुदवाया है? खंजड़ा। क्या कैसा खंजड़ा? आरसीसी के लिए। तो क्या हुआ इसमें? नहीं है। नहीं आरसीसी लगी है। आरसीसी नहीं लगी है? कब से खुदा पड़ा है? तीन महीना हो गए। तीन महीने से जो खुदा पड़ा है। बिल्कुल। आप लोग कहोगे कौन शिकायत किया इसकी? क्या बात? ये बताइए आप, इसकी कौन शिकायत किया कि नहीं किया? ब्लॉक किसने कहा था? मंत्री बात। तो क्या कहा मंत्री ने? बन जाएगी। तो बनते बनते 3 महीने हो चुकी। 3 महीने भी है। टिक्की से आपको क्या दिक्कत है ये बताइए हमको? मच्छर लगते हैं। मच्छर लगते हैं? मलेरिया वाले। कब लगते हैं? शाम को। बच्चों को परेशानी होती है। क्या परेशानी होती है? मच्छर कट जाते, डेंगू वाले मच्छर लगते हैं। हाँ हाँ, बच्चे बीमार होते हैं।